तोड़ फोड़ अतिक्रमण वाले में आए हैं अवैध प्लॉटिंग का। दुर्गा नगर कोपा में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी और ये जानकारी मिली थी कि 3 एकड़ की जो भूखंड है उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर अंदर अवैध रूप से मार्ग संरचना निर्मित कर प्लॉटिंग की जा रही है। इस सूचना की शिकायत जन दर्शन में भी हुई थी और जिस पर हमने संज्ञान में लेकर के तत्काल जोन वन से स्वास्थ्य, राजस्व और तकनीकी अमला हमने रवाना किया। 2 JCB और 3 डंपर के माध्यम से पूरे उस एरिया पे कार्रवाई हमने किया है 3 एकड़ पर। वहाँ पर अवैध अभिन्यास के लिए मार्ग संरचना निर्मित कर दिया गया था और उसको 5 डंपर जो मुरुम है उसको वहाँ जब्त किया गया। जो सड़क बनाई गई थी उसको डैमेज करने का काम किया गया और इस कार्रवाई में हमारे जो जोन वन से जो भवन अधिकारी हैं अनिल सिंह, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे और अंकित सक्सेना और अरविंद शर्मा सब इंजीनियर ये वहाँ उपस्थित थे और इन्होंने इस पूरी कार्रवाई को पूर्ण करा करके जो अवैध संरचना को ध्वस्त करने का काम किया। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर भूखंड लेने के पहले नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और नगर निगम के माध्यम से उस भूखंड की जानकारी प्राप्त कर ले। यदि वह अवैध निर्माण का भूभाग है, अभिन्यास का भूभाग है तो ऐसी जगह पर प्लाट न खरीदें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जो अप्रूव लेआउट है, जिनका अभिन्यास स्वीकृत है, वहीं पर वे अपने भूखंड की खरीदी बिक्री करें जिससे कि नगर निगम विधिवत भवन अनुज्ञा जारी कर और लोन प्राप्त करके वो अपना मकान बना सकते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी संरचना का काम होता है तो वो बड़े लोग होते हैं और किसी को भी किसी भी सूरत में हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। जहाँ पर भी इस प्रकार की प्लॉटिंग की कंप्लेंट्स आ रही है हम लोग उसको संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। For more information, log on to www.clips.in.